हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने संगम डायनेस्टी की स्टार्ट की शुरुआत कर दी थी। संगम डायनेस्टी में हमने देखा था कौन से वंश, तीन वंश देखा था, कौन कौन सा, चेर, चोल और पांड्य वंश। इनके बारे में हमने सारी डिटेल्ड जानकारी देख ली थी। थोड़ी बहुत जो चीजें बची थी, जैसे संगम लिटरेचर के बारे में चीजें बची थी, जिसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलो, हमने क्या क्या देख लिया था? हमने देखा था कि संगम वंश क्या होता है। संगम वंश का मतलब क्या था कि भाई बैठक हुई थी, तीन बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? तीन बैठक हुई थी। वो तीन बैठक कौन कौन सी थी? सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी, कितने राजाओं के द्वारा अटेंड की गई थी? 89। कहाँ पे हुई थी ये? साउथ मदुरई में हुई थी। ठीक है, साउथ मदुरई में हुई थी। और कौन इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि इसके प्रेसिडेंट थे। क्या इसके कोई साक्ष्य मिले हैं? क्या इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं? ठीक है ना, पहली वाली जो मीटिंग हुई थी उसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलो, दूसरी मीटिंग कहां पे हुई थी? कपाटपुरम। कहां हुई थी? कपाटपुरम। रिवीजन करते चलो, याद करो, कितने राजा? 59 राजा थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन? कपियर। ठीक है ना, इन्हीं की एक किताब थी। इनकी किताब का नाम क्या था? तोलकप्पियम। तोलकप्पियम, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद हमने देखा तीसरी बैठक। तीसरी बैठक कहां हुई थी? नॉर्थ मदुरई में हुई थी, उत्तरी मदुरई में हुई थी तीसरी बैठक। कितने राजा थे? 49 राजा थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया, कौन थे? नक्कीरार। नक्कीरार इसके अध्यक्ष थे। और बात करें साक्ष्य की, तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी किताबें मिली हैं जो इसके शिलापादिकरण, मेल कनक्कू, खेल कनक्कू, जीवक चिंतामणि, इस तरीके की कई किताबें हैं जो तीसरी वाली बैठक के साक्ष्य बताते हैं। चलो, क्लियर हो गया था यहाँ तक? ये सारी चीजें हमने देख लिए थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमने और भी बहुत सारी चीजें देखे थे, जैसे टेबल के फॉर्म में देख लेंगे, अभी आगे कवर करते चलते हैं उन सारी चीजों को। ठीक है, तो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कौन से वंश की? चेर वंश की। हमने देखा था चेर वंश का जो एम्बलम होता है, जो साइन होता है, वो क्या है? धनुष बाण। ठीक है ना, क्या होता है इसका साइन? धनुष बाण। ठीक है, पुगलूर शिलालेख से चेर शासकों की तीन पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मार्क करके रखना। कौन से शिलालेख से? पुगलूर शिलालेख। ठीक है ना, पुगलूर शिलालेख से। चेर कहां? केरल में। आज कहां है? केरला। ठीक है ना, पुगलूर शिलालेख से चेर शासकों की तीन पीढ़ियों की जानकारी प्राप्त होती है। तीन पीढ़ियों की जानकारी के बारे में हमें पता चलता है ना। अगर चेर वंश के संस्थापक की मैं बात करूं कि चेर वंश का संस्थापक या पहला राजा कौन था? कौन था इसका पहला राजा? उदयन जरेल। क्या नाम था? उदयन जरेल। चेर वंश का पहला राजा कौन सा था? उदयन जरेल था। ठीक है ना, चेर वंश का पहला राजा कौन था? उदयन जरेल। ठीक है, चलो भाई पीछे से बताओ, भुवनेश्वर लाल चेर के नाम से किसको जाना जाता था? लाल चेर नहीं आए थे लास्ट क्लास में? लाल चेर आप तो थे। हाँ, रेड चेरा। लाल चेर के नाम से किसको जाना जाता था? सेन गुतवन। किसको जाना जाता था? सेन गुतवन। ठीक है, चेर वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? सेन गुतवन। ठीक है ना, चलो, तो सबसे पहला राजा हमने देख लिए थे, नाम क्या था? उदयन जरेल। सबसे पहला राजा कौन था? उदयन जरेल। उदयन जरेल के बारे में मैंने थोड़ी सी कहानी बताई थी। क्या बोलता था ये? ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि इसने महाभारत के योद्धाओं को, कौरवों के योद्धाओं को भोजन कराया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके पूर्वजों ने करवाया होगा, इसने नहीं। चेरों के सबसे महान राजा का नाम कौन था? सेन गुतवन। ठीक है ना, सेन गुतवन भी नाम मिलता है, सेन गुतवन भी नाम मिलता है। ठीक है, ईयर याद मत रखना, हमने देख लिए थे भाई 200 BC से लेके 200 ईस्वी तक की ये सारा शासन चला था। चेर वंश का अर्थ क्या होता है? चेर वंश का मतलब क्या होता है? पहाड़ियों में रहने वाले। क्या नाम होता है? पहाड़ियों में रहने वाले। ठीक है ना, द वन हु रिसाइडेड इन माउंटेन्स, है ना, जिन्हें लाल चेर, मतलब सेन गुतवन को किस नाम से जाना जाता था? लाल चेर या गुड चेर के नाम से भी जाना जाता था, अच्छे चेर के नाम से भी जाना जाता था। सेन गुटवन ने चेर राज्य में पत्नी पूजा प्रारंभ की। कौन सी पूजा प्रारंभ की? पत्नी पूजा। आज जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो इसकी बहुत अच्छे से कहानी आएगी,
है ना, जिसको हम समझ लेंगे तो याद भी हो जाएगा। इसी पत्नी पूजा को क्या बोला जाता था, कर्ण की पूजा, ठीक है, पटनी कल्ट इंग्लिश में इसी को बोलते हैं, पटनी कल्ट, पटनी कल्ट, ठीक है, और इसी को बोला जाता है पत्नी पूजा या कर्णगी कल्ट, कर्णगी पूजा भी कहा जाता है। वह दक्षिण भारत से चीन में दूध भेजने वाले पहली भारतीय राजा थे। ये वाला पॉइंट भी हमने देख लिए थे कि ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने चाइना में क्या भेजा, अपने एम्बेसडर्स भेजा, दूध भेजा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट वंश कौन सा है, हमने पांड्य पढ़े थे, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वंश कौन सा आता है, चोल वंश। चोल वंश में हमने क्या देखा था, अच्छा हमने यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें देखी थी जो नहीं है, जैसे कि हमने देखा था गन्ने की खेती के बारे में, कौन से राजा का नाम था, आदिगवन, बहुत बढ़िया। तीसरे राजा का हमने नाम क्या देखा था, आदिगवन। आदिगवन की क्या खासियत थी भाई, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पे क्या शुरुआत किया था, गन्ने की खेती की शुरुआत की थी इन्होंने, शुगर केन एग्रीकल्चर की शुरुआत आदिगवन द्वारा हुई थी, ठीक है। वापस आ जाओ, हमने इसकी कैपिटल भी देखी थी चेर वंश की, कौन सी कैपिटल हुआ करती थी, वज्जी। चेर वंश की कैपिटल क्या हुआ करती थी, वज्जी। कौन से रिवर के किनारे था चेर वंश, कौन से रिवर के, पेरियार, बहुत बढ़िया। कौन से रिवर के किनारे, तो पेरियार, ठीक है, पेरियार नदी के किनारे हुआ करता था। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये अक्सर पूछता है इनकी कैपिटल, तीनों राज्य की कैपिटल और नदी, ये अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम चोल वंश, चोल का अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या होता है, शासन करने वाला, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। चोल वंश में जो चोल है उस शब्द का अर्थ क्या होता है, द वन हु रूल, शासन करने वाला। चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया, ये देखो ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, मध्य और उत्तरी भारत, ठीक है, तमिलनाडु का दक्षिण वाला हिस्सा जो था वो पांड्य वंश का था, और केरल वाला हिस्सा किसके अंडर में आता था, चेर वंश के अंडर में आता था। उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिससे बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। अभी ये चोल मंडलम पे ध्यान मत देना, बाद में जब दोबारा एक बार चोल वंश शांत होने के बाद जब दोबारा आएंगे ना, तब ये चोल मंडलम नाम फेमस होगा, तो इसको कहानी हम अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। बस यहीं पे कावेरी नदी का डेल्टा आता है, तो इसलिए बस इतना याद रखना कि कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास ये वाला, कावेरी नदी के किनारे था और यहीं पे कावेरी नदी का डेल्टा रहता है, इसीलिए कावेरी नदी के किनारे था। जिसे डेल्टा नहीं पता है, नदी का वो मुहाना जब नदी समुद्र से जाके मिल जाती है, दो तरीके की चीज बनती है, या तो डेल्टा या तो जॉर्नर एश्चुरी, ठीक है ना। तो बस अभी इतना समझो, डेल्टा जैसी कोई चीज होती है जब नदी किसके साथ मिल जाती है, समुद्र के साथ मिल जाती है ना, ये ज्योग्राफी की चीज है बेसिकली, ठीक है। चलो उनकी राजधानी क्या थी, उरायूर थी, जो आज तिरुचरापल्ली शहर के पास है, तिरुचरापल्ली शहर के पास पड़ती है ये, ठीक है। बाद में करिकाल ने क्या बना लिया, कावेरी पट्टनम, ये दोनों नाम देख लिए थे हमने, ठीक है, कावेरी पट्टनम या पुहार, क्या नाम लिखा हुआ है वहां, पुहार, ये दोनों नाम देखे थे हमने कि कावेरी पट्टनम या बार, बाद में है ना करिकाल ने, इस वंश का सबसे फेमस राजा कौन था, करिकाल, ठीक है। चलो की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, बाघ था। आप राजधानी के नाम पे उरायूर याद रखोगे, कई बार पूछा गया है उरायूर ही आता है ना। लेकिन हमने कावेरी पट्टनम से भी अगर क्वेश्चन आए तो उससे भी चोल रिलेट करोगे, और पुहार भी आए, पुहार बेसिकली इनका पोर्ट था, बंदरगाह था, पुहार भी आएगा तो आप किसको रिलेट करोगे, चोल वंश को रिलेट करोगे। हमने कारिकाल के बारे में एक दो चीजें और देखी थी, इसने क्या किया था, श्रीलंका से, चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी थी, है ना, हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट सबसे शक्तिशाली नौसेना किसकी थी, चोल वंश की थी। इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं, इसने श्रीलंका में जाकर आक्रमण किया था और वहां से करीब 10-12 हजार कारीगरों को ले आया था, और कौन सी नदी पे, कावेरी नदी पे क्या बनवाया था इसने, बांध बनवाया था, ब्रिज बनवाने का काम किया था इसने। चोल राजाओं में राजा करिकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है, समझ में आ गया है, ठीक है ना, पहले भी देख चुके हैं हम, चोल वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, करिकाल था, ठीक है। राजा करिकाल के बारे में विभिन्न संगम साहित्य की कविताओं में वेणी के युद्ध का उल्लेख मिलता है, इन्होंने कौन सा एक युद्ध लड़ा था, वेणी का युद्ध, ये पॉइंट ऐड कर लोगे, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी, वॉर ऑफ या बैटल ऑफ वेणी, बैटल ऑफ वेणी, वेणी के युद्ध के बारे में साक्ष्य मिलते हैं कि इन्होंने वेणी का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को क्या किया है, पराजित किया है। हमने लास्ट क्लास में देखे थे कि चोल वंश वो वंश था जिसने चेर को भी हराया है, पांड्य को भी हराया है, और एक दो राजाओं को नहीं, इनके साथ साथ 11 और भी राजाओं थे, जिनको चोल वंश के शासक करिकाल ने हराया है। क्लियर हो रहा है यहां तक, समझ में आ गया, चल है ना।
तो चेर वंश में हमने देखा, चेर वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? सेनगुतवन। चेर वंश में कौन था? सेनगुतवन। चोल वंश में कौन हुआ है? करई काल। तीनों वंश के तीन राजा हैं इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। करी काल के बारे में, और करी काल की सैन्य उपलब्धियों ने उन्हें पूरे तमिल क्षेत्र की आधिपति बना दिया था। हमने पहले ही देखे हैं सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया है? चोल वंश ने। सबसे प्राचीन कौन थे? चेर वंश। सबसे प्राचीन मतलब किस नाम का हुआ करता था? पांड्य का मतलब क्या हुआ करता था? सबसे प्राचीन। करी काल ने अपने शासन काल में व्यापार और वाणिज्य, किस चीज में व्यापार होता था इनका? मोतियों का, ठीक है ना, चलो, है ना, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया। करिकाल ने पुहार, मोतियों वगैरह का चीज पांड्य वंश से ज्यादा चीज हुआ करती थी व्यापार। करिकाल ने पुहार या कावेरीपट्टनम शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी उरायुर, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, उरायुर से कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित की। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया, जिसकी कहानी हमने देख चुके हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? इसने कहां पे अटैक किया है? इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था, ठीक है। किसने? करिकाल ने, चोल वंश के राजा करिकाल ने। ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमने देख लिए थे। इसके बाद शुरू होता है कौन सा वंश? पांड्य वंश। क्लियर हो रहा है यहां तक? चलो, पांड्य वंश का अर्थ क्या होता है? पांड्य का मतलब क्या होता है? सबसे प्राचीन। क्या ये सबसे प्राचीन थे? नहीं, नहीं। कौन था सबसे प्राचीन? चेर वंश सबसे प्राचीन था। सबसे धनी कौन था? पांड्य वंश। सबसे ज्यादा रिचेस्ट माने जाते थे। पांड्यों ने मदुरई में शासन किया, मतलब इनकी कैपिटल क्या थी? मदुरई। हमने देखे इनकी कैपिटल क्या थी? मदुरई। एक दक्षिण मदुरई हुआ करता था जो अभी जलमग्न है, फिर उसके बाद यहाँ मदुरई है जो इनकी क्या हुआ करती थी? कैपिटल हुआ करती थी। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीपी के सुदूर दक्षिण तथा और दक्षिण पूर्वी भाग में था। मतलब सुदूर दक्षिण मतलब नीचे, और दक्षिण पूर्वी थोड़ा सा इस भाग में पांड्य वंश हुआ करता था। कोरकई इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में क्या बनी? मदुरई। नाम क्या याद रखोगे? मदुरई का नाम याद रखोगे। एक और राजधानी याद रख लेना, कोरकई। कैपिटल के नाम पे दो नाम याद रख लो, मदुरई पूछा गया है लेकिन एक और नाम याद रखना, कोरकई। किससे रिलेटेड है? पांड्य वंश की राजधानी से रिलेटेड है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह हमने याद कर लिया था, क्या हुआ करता था? मछली। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ था? मछली। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था? धनुष बाण, ठीक है ना, बो एंड एरो। और क्या बचा? चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था? बाघ। पांड्य वंश के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। उन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया, मतलब जो तीनों जो संगम हो रहे थे उनका संरक्षण, मतलब खाना पीना वगैरह जो भी चीज प्रोवाइड करवाना, वो सब कौन कर रहे थे? पांड्य वंश कर रहे थे। और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की। शासकों ने एक नियमित सेना बनाए रखी, मतलब इन्होंने एक नियमित सेना बना के रखी। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राजा धनी और समृद्ध थे। मतलब सबसे ज्यादा धनी किसको माना जाता था? पांड्य वंश को माना जाता, पांड्य राजाओं को माना जाता था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है, पढ़ चुके हैं हम। कहां कहां से साक्ष्य मिलते हैं इसके? मेगस्थनीज की इंडिका, दूसरा अष्टाध्यायी, तीसरा ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? ऐत्रेय ब्राह्मण। क्लियर हो रही है यहां तक चीजें? चलो, समाज में विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। देखो, हमने देखा चेर वंश के बारे में, हमने देखा था भाई पत्नी पूजा महिलाओं के लिए, तो मात्रात्मक समाज के साक्ष्य मिले थे। सबसे पहला साक्ष्य मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा सातवाहन वंश और तीसरा चेर वंश। बेसिकली पूरा की पूरा संगम वंश ही माना जाता था, लेकिन पांडव वंश के समय में ऐसा माना गया है कि रूढ़िवादिता वाली जो चीजें हैं ना, कि आप लोगों ने कई जगह देखी होगी कि विधवाओं का घर से बाहर ना निकलना, है ना, कि एकदम अगर विधवा है तो वो किसी मैरिज फंक्शंस और पार्टीज को अटेंड नहीं कर सकते, मतलब कहीं शुभ कार्य में नहीं जा सकते, है ना। तो उन लोगों की कंडीशंस बहुत क्या होती? दयनीय थी। ऐसा बुरा माना जाता था, बुरा बर्ताव किया जाता था। तो वही चीज लिखी गई है। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था तथा ईसा की शुरुआती शताब्दियों में ही पांड्य राजा वैदिक यज्ञ करते थे, है ना। इतना बस याद रखना कि ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा वैल्यू थी और यज्ञ वगैरह करने में चीजें होती थी। कालभ्रष्ट नामक जनजाति के आक्रमण के साथ उनकी शक्ति क्या हुई? क्षय हुई। क्या याद रखना है कि कालभ्रष्ट नामक जनजाति थी, जैसे हमने वहां देखे थे ना हुड नामक जनजाति, ठीक है, हुड नामक ट्राइब थी ना, जो गुप्त वंश में भी अटैक किया था, शक वंश में भी अटैक किया था, हुनास का आक्रमण। इसी तरीके से यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती थी जिसका नाम क्या था? कालभ्रष्ट या कलभ्रष्ट नामक जनजाति थी, जिन्होंने आक्रमण किया था पांड्य वंश के समय में, जिसके कारण पांड्य वंश की शक्तियों का क्या हुआ? क्षीण हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। नल्लिव कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। मतलब देखो,
लास्ट रूलर नहीं बोला जा सकता क्योंकि उतने सोर्स नहीं है, लेकिन लास्ट नोन रूलर, अंतिम ज्ञात शासक मतलब लास्ट नोन रूलर, ऐसा रूलर, ऐसा आखिरी राजा जिसके बारे में पता चला है वो कौन था, तो नल्लिव कोडन, ठीक है, क्या नाम रहेगा, बोलने में दिक्कत जाएगी, बोलो नाम क्या है, नल्लिव कोडन, अरे बोल लो, नल्लिव कोडन, ठीक है ना, नल्लिव कोडन, तोड़ के पढ़ोगे तो आज इजी हो जाएगा, नल्लिव कोडन संगम युग का अंतिम नोन शासक था, मतलब लास्ट ऐसा राजा था जिसके बारे में साक्ष्य मिले हैं और हमें पता चला है पांडव वंश के लिए। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गया, ठीक था, है ना। तो पांडव वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन माना गया, पांडव वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक माना गया किसको, निंदुन जेलियान, उसके बारे में भी चीजें आने दी गई हैं, पांडव वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था, निंदुन जेलियान, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो संगम लिटरेचर, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, संगम लिटरेचर, संगम साहित्य, संगम साहित्य, संगम लिटरेचर के बारे में जानेंगे, संगम साहित्य के बारे में जानेंगे। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, चलो। तो एक बुक हुआ करती थी, एक एक करके जानेंगे, सारी कहानियां बताऊंगा, ये बुक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन बनते हैं, संगम लिटरेचर में जितनी चीजें पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन किताबों से बनते हैं, क्यों, अटपटे नाम है, याद करने में दिक्कत होती है, इसीलिए ये टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को सारी किताबें याद हो जाएंगी, ठीक है। पहली किताब का नाम लिखोगे तो वो है कुराल, ठीक है, पहली किताब का नाम क्या है, कुराल, पहली किताब का नाम है कुराल, ठीक है। इसी किताब को तिरुकुराल के नाम से भी जाना जाता है, तिरुकुराल, इसी किताब को तिरुकुराल के नाम से भी जाना जाता है, तिरुकुराल के नाम से भी जाना जाता है, तिरुकुराल, ठीक है ना। चलो, तो बात आती है कि ये किताब लिखी किसके द्वारा गई है, ये याद रखना, तिरुवल्लरा, किसके द्वारा लिखी गई है, तिरुवल्लरा, तिरुवल्लरा द्वारा ये किताब लिखी गई है, कौन सी, तिरुकुराल। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे तमिल भाषा का बाइबल कहा जाता है, ये ग्रंथ थी, ठीक है, बाइबल ऑफ तमिल लैंग्वेज, किसे कहा जाता है, तिरुकुराल को कहा जाता है, इट इज नोन एज बाइबल ऑफ तमिल, ठीक है, इसे तमिल भाषा का क्या कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही जानी मानी किताब थी, तमिल भाषा का बाइबल किसे कहा जाता है, तिरुकुराल को कहा जाता है, ठीक है। चलो, अब याद आ रहा है ना, तिरुकुराल को क्या याद कर लेना यहीं पे, कुराल, वैसे बेसिकली बुक का नाम क्या है, कुराल, लेकिन याद क्या रखो नाम, तिरुकुराल, तिरुकुराल से इसके राइटर का नाम याद रहेगा, राइटर का नाम क्या है, अरे बोल लो, तिरुवल्लरा, राइटर का नाम क्या है, तिरुवल्लरा, और किताब का नाम क्या है, तिरुकुराल, क्यों पढ़ रहे हैं, बाइबल किसकी, तमिल भाषा की, इट इज नोन एज बाइबल ऑफ तमिल लैंग्वेज, इसे तमिल भाषा का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे, दूसरी मीटिंग वाली किताब याद है, कौन सी किताब थी, दूसरी जो संगम मीटिंग हुई थी उसके साक्ष्य केवल एक किताब से मिले, तोलकप्पियम, है ना, तो किताब का नाम लिखो तोलकप्पियम, तोलकप्पियम, और राइटर तोलकप्पियार, हाथ से लिखो मुंह से बोलते चलो, ठीक है ना, दोनों चीजों का इस्तेमाल करो, कानों से सुनो, हाथों से लिखो और मुंह से इन सारी चीजों को बोलते हुए चलो, ठीक है। चलो, तो राइटर का नाम क्या था, तोलकप्पियार, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से तमिल, ये से तमिल ग्रामर की शुरुआत मानी जाती है, तोलकप्पियम को क्या माना जाता है, स्टार्टिंग ऑफ तमिल ग्रामर, तमिल की जो व्याकरण शुरू हुई है वो कहां से शुरू हुई है, इसी किताब से शुरू हुई है, ऐसा माना जाता है, तमिल ग्रामर, ठीक है, तमिल व्याकरण की शुरुआत इस किताब को मानी जाती है, किसको मानी जाती है,
तोल कप्पी यार को मानी जा रहा है, तोल कप्पी हमको मानी जाती है। क्लियर रहेगा, समझ में आएगा। अभी तक हमने कितनी किताब देखे, दो, कौन कौन सी, 8-10 किताब पढ़नी है, और अभी नाम ऐसे ऐसे आएंगे कि दिमाग की बत्ती गायब हो जाएगी, इसीलिए बोलते हुए चलो साथ में। पहली किताब कुराल या तिरुकुराल, तिरुकुराल बोलोगे तो राइटर याद हो जाएगा, क्या है राइटर, तिरुवल्लरा। दूसरी किताब तोल कप्पियम, तिरुवल्ल, बाइबल कौन सी कहलाती थी, तिरुकुराल, ठीक है ना। तमिल ग्रामर की शुरुआत किससे मानी जाती है, तोल कप्पियम से मानी जाती है, ठीक है ना, माना जाता है। तमिल भाषा सबसे पुरानी भाषा है और बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है, इसीलिए। तीसरी किताब का नाम भी लिखो, शिलापादिकरण, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, शिलापादिकरण। शिलापादिकरण किताब का नाम क्या है, शिलापादिकरण। शिलापादिकरण, ठीक है ना। शिलापादिकरण क्या है, शिलापादिकरण एक लव स्टोरी है, ठीक है ना। शिलापादिकरण क्या है, लव स्टोरी है, किसकी, कोवलन। देखो इसकी कहानी सुनो थोड़ी सी, ठीक है ना, क्या है, शिलापादिकरण लव स्टोरी है। यहां से आप लोगों को दो बुक याद रहेगी, कोवलन और इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ का नाम क्या है, कनग्गी। कनग्गी से कुछ याद आ रहा है क्या, क्या याद आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना, चलो लिंक तो कर पा रहे हो, ठीक है। पत्नी पूजा की चीजें शुरुआत हो रही है ना, तो ये कोवलन की वाइफ थी, है ना, और एक ये राजा हुआ करते थे, एक कोवलन, इनकी रानी थी, क्या नाम था, कनग्गी। लेकिन इन कोवलन का दिल आ गया किस पे, इनके कोर्ट में एक डांसर हुआ करती थी जिनका नाम था मालती, ठीक है ना। चलो तो इनसे ये प्यार कर बैठे, और ये मालती ने, मतलब जब मालती के पास गए तो फिर उसके बाद उसने इनके पूरे पैसे खत्म करवा दिए। कोवलन की ये हालत हो गई कि बेचारे एकदम गरीब हो गए। इन मालती से इनकी एक बेटी भी हुई थी, ठीक है ना, इनकी क्या हुई थी, एक बेटी भी हुई थी बाद में, लेकिन वापस किसके पास आए, कनग्गी के ही पास आए। बोले कि नहीं मुझसे गलती हो गई वगैरह वगैरह, और जब कनग्गी के पास आए तो उन्होंने बोले चलो, तब तक तो गरीब हो चुके थे, इनके पास कुछ बचा नहीं था। तो पहले थे ये पांड्य वंश में, कहाँ पे थे, पांड्य का जो मदुरई वाला क्षेत्र है वहां पे रहा करते थे। फिर उन्होंने वो सारी चीजें छोड़ के अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे थे, दोनों कनग्गी और कोवलन। तो ये चले गए कहाँ पे, चोल वंश के शासन काल में, चोल वंश के एरिया में रहने लगे। अब पैसे धीले तो थे नहीं, तो कोवलन ने बोला कि भाई कुछ कमाएंगे धमाएंगे, सारा पैसा तो उड़ा चुके थे, ठीक है ना। तो अब कमाने के लिए कनग्गी ने क्या किया, अपनी पायल, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, नुपुर की कहानी है ये, किसकी कहानी है, नुपुर, नुपुर समझते हो क्या होता है, पायल को ही नुपुर बोला जाता, पायल तो जानते होगे, ठीक है ना, पायल मतलब वो पैरों में पायल, हाँ वही वाला, ठीक है। तो चलो, तो उसी की कहानी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम वंश में नुपुर की कहानी किस किताब में मिलती है, शिलापादिकरण में मिलती है, ठीक है। तो कनग्गी ने क्या की, अपनी पायल उतार के दी इनको, कोवलन को, कि जाओ बेच आओ और जो पैसे ढीले मिले उसको ले आना, उससे कुछ अपन बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ इस तरीके की चीज। तो जब ये बेचने गए तो इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि उसी समय चोल वंश के जो राजा थे उनकी महारानी का जो पायल थी वो चोरी हो गई थी। तो जब रानी को पता चला तो उनको लगा कि नहीं यही चोर है, तो उन्होंने कोवलन को बुला लिया, कोवलन को बुलाया, और राजा तो वैसे ही परेशान थे, रानी चिक चिक कर रही थी वैसे ही सुबह से कि पायल नहीं मिल रही करके। तो राजा ने इसको मरवा दिया, किसको, कोवलन को, मृत्यु दंड दे दिया। जब पता चला कनग्गी को कि उसके पति को मार दिया गया है उसकी पायल बेचने के कारण, तो कनग्गी ने वहां के राजा को, चोल वंश के राजा को श्राप दे दिया कि तुम मर जाओगे करके। राजा की डेथ भी हो गई और पूरा चोल वंश क्या हो गया, मतलब पूरे वंश में क्या हो गई थी, आग लग गई थी। और वहीं पे जो अपनी कनग्गी थी वो वहां की पहाड़ियों में जाके संन्यास ले ली, तपस्वी वगैरह बन गई। और इसीलिए जब ये कहानी सेन गुतवन को पता चली थी, समझ में आ रहा है ना, तो उसने बोला था नहीं भाई कनग्गी तो बहुत ही पावरफुल महिला थी, है ना, पत्नी की शक्ति क्या होती है कनग्गी ने दिखाया, मतलब राजा मर गए, चोल साम्राज्य में आग लग गई, ठीक है। तो उसने अपनी पत्नी से डर के किस चीज की शुरुआत की थी, पत्नी को बताने के लिए कि हाँ पत्नी कल्ट की शुरुआत की थी या कनग्गी कल्ट की शुरुआत की थी, ये सब एक कहानी है, सच्चाई तो कोवलन और कनग्गी जाने, ठीक है। तो ये कहानी किस में लिखी गई है, शिलापादिकरण में लिखी गई है, समझ में आ रहा है ना, याद हो जाएगी अब शिलापादिकरण इजली, ठीक है ना। तो अब ये कहानी किसमें लिखी गई है, शिलापादिकरण, ये कहानी आप लोग को लिखनी नहीं है, वैसे ये कहानियां आप लोग को जल्दी याद हो जाती है, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखना है कि इसमें नुपुर की कहानी है, किसमें, शिलापादिकरण में, किसके कैरेक्टर कौन है, कोवलन, कनग्गी, मालती, यहां से आपको कनग्गी कल्ट भी याद हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया, चलो
यहां तक हो गया। नेक्स्ट किताब का नाम, हाँ फिर एलांगो वादिगल, हाँ राइटर, चलो अच्छी याद दिला दी आपने। इनके राइटर कौन है, शिला प्राधिकरण के राइटर का नाम लिखो, एलांगो वादिगल। इसके राइटर कौन है, एलांगो वादिगल, बोलते चलो भाई नाम ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना, एलांगो वादिगल, ये इसके कौन है, राइटर है, ठीक है ना। तो शिला प्राधिकरण के राइटर कौन है, एलांगो वादिगल, ये चीज याद रखोगे, ठीक है। चलो तो अभी तक हमने कितनी किताब देख ली, तीन किताब देख ली, कौन कौन सी, सबसे पहली कौन सी थी, देखो ये सारी चीजें हर जगह मिलना मुश्किल होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, और केवल किताबें लिखी रहेंगी तो याद नहीं होगा, फिर वो रटना पड़ेगा, इसको बाइबल, इसको ग्रंथ, इसको ग्रामर, इसको ये, इसको वो, इसलिए कहानी के हिसाब से याद कर लो। बाइबल किसको बोला जाता है, कुराल को बोला जाता है, तिरुकुराल को बोला जाता है। इसके राइटर कौन थे, तिरुवल्लरा, ठीक है ना। फिर अगर दूसरे नंबर पे किताब की बात करें तो कौन सी देखे हमने, तोलकप्पी। हम दूसरे नंबर पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहां दूसरी मीटिंग से आप लोग लिंक कर सको, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर की मीटिंग के साक्ष्य एक ही किताब से मिलते हैं, वो कौन सी है, तोलकप्पी, रिटन बाय तोलकप्पी आर, इट इज नोन एज तमिल ग्रामर, स्टार्टिंग ऑफ तमिल ग्रामर, इसको क्या बोलते हैं कि तमिल ग्रामर से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। चोल वंश का अर्थ क्या होता है, शासन करने वाला। चेर वंश का अर्थ नवीन या प्राचीन, पहाड़ियों में रहने वाला, ठीक है ना। चलो पांड्य वंश का अर्थ नवीन या प्राचीन, सबसे प्राचीन, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कर्ण की पूजा कौन से वंश ने शुरू की थी, चेर वंश। राजा का नाम पूछे तो सेनगुतवन, वंश का नाम पूछे तो चेर वंश। समुद्र पूजा किसने शुरुआत की थी, नहीं बताया हूं मैंने, समुद्र पूजा पांड्य वंश ने शुरुआत की थी, किसने शुरुआत की थी, पांड्य वंश के राजाओं ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। पांड्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा निंदुन जेलियान, क्या नाम था, निंदुन जेलियान, इसने समुद्र की पूजा शुरुआत की थी, ठीक है ना। थोड़ा सा एडिट कर लेना अगर नहीं बताया हूं तो, समुद्र की पूजा की शुरुआत किसने की, निंदुन जेलियान। पत्नी की पूजा की शुरुआत किसने की, सेनगुतवन, है ना। ये जो पत्नी की पूजा है इसकी पूरी कहानी कौन सी किताब में मिलती है, शिला प्राधिकरण, ठीक है ना। शिला प्राधिकरण में इसकी पूरी किताब मिलती है, पूरी कहानी मिलती है। शिला प्राधिकरण किस बेस पे, किसकी स्टोरी है, कैरेक्टर का नाम बताओ, कहानी याद है, कोवलन, राजा का नाम क्या है, कोवलन, उनकी वाइफ का नाम क्या है, कनकगी, और राजा के लवर का नाम क्या है, मालती, ठीक है ना। कहीं कहीं माधवी, मालती, अलग अलग नाम मिलता है, डजंट मैटर, ठीक है ना। चलो तो शिला प्राधिकरण भी याद हो गई होगी। अच्छा शिला प्राधिकरण किसके द्वारा लिखी गई है, एलांगो वादिगल, नाम बोलो क्या है, एलांगो वादिगल, ठीक है ना। चलो अब मैंने बताया था ना कि कोवलन और मालती की एक बेटी भी थी, है ना। उस बेटी का नाम है, जो आपकी चौथी किताब का नाम है, मनी मेकलाई। मनी मेकलाई, और ये इनकी बेटी है, किसकी, कोवलन और मालती की। विवाह नहीं किया था इन्होंने, लेकिन ये इनकी बेटी है, कोवलन और मालती की बेटी है, जिसका नाम क्या है, मनी मेकलाई। ठीक है चलो आगे कहानी करें, कोवलन की बता रहे ना, रुको तो कहानी तो शुरू तो होगा अभी, ठीक है ना। राइटर पहले बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा ना। देखो अब हुआ क्या, एक्चुअल में जब इनकी बेटी बड़ी हुई तब पता चला कि हाँ भाई ऐसा कुछ सीन हुआ था, ठीक है, कि हमारी स्टेप मदर कनकगी वगैरह, फिर कनकगी कल्ट शुरू हुआ वगैरह वगैरह। तो जब मनी मेकलाई बड़ी हुई तो इसने बोला यार सच बात है, ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, है ना, क्या करना चाहिए, संन्यास ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मनी मेकलाई ने कौन सा धर्म ज्वाइन कर लिया, बुद्धिज्म की चीजें मिलती हैं यहां से, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मनी मेकलाई ने कौन सा धर्म ज्वाइन कर लिया, बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया। और बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के बारे में कौन सी किताब बताती है, मनी मेकलाई बताती है। अच्छा याद रखना ये सब वास्तविकता नहीं है, ये सब कहानी है, रिटन बाय सत्यनार, सत्यनार किसके द्वारा लिखी गई है, सत्यनार के द्वारा लिखी गई। कहीं कहीं है ता की जगह टा यूज करता है, सत्यनार, है ना। तो आप लोग याद रखना सत्यनार, सत्यनार दोनों नाम याद रखोगे, ठीक है। चलो तो कौन थी मनी मेकलाई, कोवलन और मालती की बेटी, ठीक है। कौन सा धर्म ज्वाइन की, तो आपको याद रखना होगा अगर दक्षिण भारत में कोई किताब, संगम वंश में कोई किताब जो बौद्ध धर्म के बारे में बताती है तो वो कौन सी कहलाएगी, मनी मेकलाई, रिटन बाय
सत्यनार। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यनार के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट किताब। यहां तक कहानी क्लियर हो गई? सत्यनार के द्वारा कौन सी लिखी गई है? मनी मेघलाई। ठीक है, नेक्स्ट किताब का नाम लिखो शिवगा सिंधामणि। शिवगा सिंधामणि, शिवगा सिंधामणि। ठीक है, रिटन बाय तिरुत कातेवर। किसके द्वारा लिखी है? तिरुत कातेवर। ठीक है, शिवगा सिंधामणि रिटन बाय तिरुत कातेवर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो शिवगा सिंधामणि किसके द्वारा लिखी गई है? तिरुत कातेवर द्वारा लिखी गई है। कोई कहानी नहीं है, बस इसने क्या किया है, यहाँ के राजाओं का वर्णन किया है। मोरल स्टोरीज, मोरल स्टोरीज मतलब वो ये आपके क्या बोलते हैं, नैतिक शिक्षाओं के बारे में बताया गया। मोरल स्टोरीज है बेसिकली, इसमें क्या है ये मोरल स्टोरीज, मोरल स्टोरीज है। ठीक है ना, तो नैतिक शिक्षाओं के बारे में इसमें बताया गया, नैतिक कहानियां हैं। किसमें? शिवगा सिंधामणि में। रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है? ये तिरुत कातेवर के द्वारा लिखी गई है। दो लास्ट किताबें और मिलती हैं आपको। पहले लिखो जीवक चिंता, कहीं कहीं इसको जीवक चिंता भी लिख दिया जाता है, तो आप लोग दोनों चीज नाम देख लेना, ध्यान रखना। जीवक चिंता, ठीक है। और इन एक और किताब मिलती है चारु चिंता। जीवक चिंता और चारु चिंता, बोथ बुक्स आर रिलेटेड टू जैनिज्म। दोनों किताब कौन से धर्म से रिलेटेड हैं? जैन धर्म से रिलेटेड हैं। लिखी कौन किसके द्वारा गई है? एक जैन भिक्षु थे जिनका नाम था जीवक। जीवक कौन है? जैन मॉन्क है, जैन भिक्षु है। ठीक है, जीवक के द्वारा लिखी गई है। और कौन है जीवक? तो जैन धर्म के ही क्या है, एक भिक्षु है। क्लियर हो रहा है? चलो समझ में आ गया यहां तक? तो ये कुछ किताबें हैं जो हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दो किताब लिखो, मेल कनक्कू और केल कनक्कू। अरे नाम बोलते चलो, मेल कनक्कू और केल कनक्कू। मेल कनक्कू और एक और नाम क्या है? केल कनक्कू। ठीक है, मेल कनक्कू केल कनक्कू। मेल कनक्कू क्या है? ये ग्रुप ऑफ लव स्टोरीज एंड वेलर स्टोरीज। वेलर स्टोरीज पता है, शौर्य गाथाएं। ये राजा ने, ये 10 राजाओं से लड़ा, ये राजा ने इतना करा, इस राजा ने अपने हाथ से हाथी को मार दिया, वगैरह वगैरह ऐसा। ठीक है ना, तो वेलर स्टोरी, शौर्य गाथाएं। तो लिखो मेल कनक्कू क्या है? बहुत सारी किताबों का ग्रुप है, बहुत सारी मतलब 8 किताबों का ग्रुप है, जिसमें इन किताबों में बेसिकली क्या है, लव स्टोरीज एंड वेलर स्टोरीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखो केल कनक्कू ग्रुप ऑफ बुक्स है, और बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है? मोरल स्टोरीज, नैतिक शिक्षाओं से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नैतिक शिक्षाओं से रिलेटेड है। ठीक है,
चलो क्लियर हुआ यहां तक, एक बार रिवीजन करेंगे यहां तक, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इनके कोई राइटर नहीं है, ग्रुप्स हैं, एक एक ऐसे ऐसे आठ बुक्स आती है, पदरी पट्टू वगैरह वगैरह अलग अलग बुक्स आती हैं, तो ऐसी ये आठ बुक्स हैं, इन ग्रुप्स को बोला जाता है मेल कनक्कु। इसी तरीके से इसमें कितनी बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, केल कनक्कु। लव स्टोरीज, वेलर स्टोरीज मेल कनक्कु में दी गई है, और जितनी भी मोरल स्टोरीज है वो किसमें दी गई है, केल कनक्कु। तो इनके ग्रुप को ये बोला जाता है, ठीक है ना, इसीलिए कोई राइटर नहीं है यहाँ पे। चलो एक बार रिविजन करेंगे, टोटल कितनी किताब हो चुकी है, 9 किताब हो चुकी है। चलो ठीक है ना। बाइबल किसे बोला जाता है तमिल का, किसको, तिरुकुराल को बोला जाता है, ठीक है। तमिल ग्रामर की शुरुआत किस किताब से मानी जाती है, किससे, तोल कपियम से शुरुआत की जाती है, ठीक है। नुपुर की कहानी कौन सी किसमें दी गई है, किसमें दी गई है, शिलापादिकरण में दी गई है, ठीक है ना। शिलापादिकरण में किस कैरेक्टर की स्टोरी है, कोवलन और कन्नगी, ठीक है ना, कोवलन और कन्नगी की मैरिज लाइफ है और माधवी की लव स्टोरी के बारे में कहानी मिलती है, ठीक है। कहीं कहीं नाम मालती भी मिलता है। चलो इसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी बेटी का नाम क्या था, मनी मेघलाई, ठीक है ना। किसने कन्नगी पूजा की शुरुआत की है, किस वंश का था, चेर वंश का था। किस राज, किस वंश ने समुद्र की पूजा की शुरुआत की है, पांडव वंश ने, ठीक है ना। कौन सा राज्य सबसे धनी था, कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली माना गया, चोल वंश, ऑब्वियसली चोल वंश, तीनों को हराया है अभी अपन ने देखे। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला, सबसे प्राचीन राजवंश, चेर वंश, ठीक है ना। सबसे प्राचीन किस शब्द का मतलब था, पांड्य का। चोल का मतलब क्या था, शासन करने वाले, ठीक है। चेर का मतलब क्या था, पहाड़ियों में रहने वाले, ठीक है। चलो मनी मेघलाई किताब किसके द्वारा लिखी गई है, सतना, मनी ऐसा सट्टा, ठीक है ना। अब रिलेट कर लोगे, अरे रिलेट हो जाएगा अब, मनी मेघलाई, मनी सट्टा, पैसा रहेगा तभी तो लगाओगे, ठीक है, देखो खुशी देखो, ठीक है ना। चलो है ना, तो मनी मेघलाई सट्टनार, ठीक है, सत्तनार भी लिखा रहता है, कहीं कहीं सट्टनार भी लिखा रहता है, याद रखने से मतलब अपने को, ठीक है। तो मनी मेघलाई सट्टनार, तिरुकुराल ने कौन सी, तिरुकुराल द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तिरुकुराल किताब किसने लिखी है, तिरुवल्लरा, ठीक है ना। चलो इसके बाद शिला पादिकरण किसने लिखी है, इंडिगो इलांगो वादिगल, क्या नाम है, इलांगो वादिगल, इसलिए बोल रहा हूं, बोलो सिर्फ देखने पे या लिखने पे मत रखो, बोलते चलो उसको, क्या नाम है, इलांगो वादिगल, ठीक है। लव स्टोरीज और वेलर स्टोरीज की ग्रुप ऑफ बुक्स को क्या बोला जाता था, मेल कनक्कु, क्या बोला जाता था, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको, लव स्टोरीज, वेलर स्टोरीज, वेलर स्टोरीज भी जनरली मेल से रिलेटेड रहती थी, लव स्टोरीज भी जनरली मेल वाली चीजें रहती थी, ठीक है ना, तो इसीलिए याद रख लेना मेल कनक्कु। केल कनक्कु क्या थी, नैतिक शिक्षाएं, मोरल स्टोरीज वाली बात हुआ करती थी केल कनक्कु में, ठीक है। तो अब केवल किताब देखे तो सबसे पहली किताब हमने कौन सी पढ़े थे, कुराल, सबसे पहली किताब, दूसरे नंबर पे तोल कपियम, ठीक है, तीसरे नंबर पे शिलापादिकरण, हटा कुराल किसके द्वारा लिखी गई थी, तिरुवल्लरा, ठीक है, और तोल कपियम, तोल कपियार के द्वारा, शिलापादिकरण इलांगो वादिगल, ठीक है, इसके लिए कोई ऐसे कोर्ट वगैरह नहीं है, याद रखो शिलापादिकरण किसके द्वारा लिखी गई थी, शिलापादिकरण से जस्ट नेक्स्ट याद रख लो, मनी मेघलाई किसके द्वारा लिखी गई, सट्टनार, अब तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। मनी मेघलाई किसके द्वारा लिखी गई, सट्टनार। अच्छा ये कौन से धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड थी, बहुत बढ़िया, कौन से धर्म से रिलेटेड थी, बहुत, जैन धर्म की दो किताब, जीवक चिंतामणि, चारु चिंतामणि, मणि नहीं ऐड करो, जीवक चिंता, चारु चिंता भी नाम मिलता है, ठीक है। ये दोनों किताबें किसके द्वारा लिखी गई, जीवक के द्वारा लिखी गई। जीवक कौन था, जैन धर्म का एक भिक्षु था, जैन धर्म का एक अनुयायी थे, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों किताबें कौन से धर्म से रिलेटेड, जैन। क्या संगम लिटरेचर में जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों के साक्ष्य मिलते हैं, अभी तो देखा पर ने, दोनों के साक्ष्य मिलते हैं, मनी मेघलाई और चारु चिंता या जीवक चिंता, दोनों नाम ले सकते हो, ठीक है। कितनी हो गई, 6। नेक्स्ट हमने कौन सी देखी, मेल कनक्कु, कौन सी देखी थी, मेल कनक्कु और केल कनक्कु, कोई बची क्या,
शिवगा सिंधामणि, एक कौन सी किताब बच गई? शिवगा सिंधामणि। किसने लिखी शिवगा सिंधामणि? किसने? ठीक है, तिरुत कातेवर। क्या बोलोगे? तिरुत कातेवर। ठीक है, इसने कौन सी किताब लिखी है? शिवगा सिंधामणि। ठीक है ना, किसने लिखी है? तिरुत कातेवर द्वारा लिखी गई है। तो भाई याद हो जाएंगी ये सारी किताबें, अब इनको याद करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तिरुत कातेवर वाली किताब जो थी शिवगा सिंधामणि कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ मोरल स्टोरीज है, इन्हीं इसी तरीके की ग्रुप बुक्स को मिला के मेल कनकपू और खेल कनकपू बना करता था। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमने क्या देखा है? ठीक है, ये हमने क्या देखा, यहां से समझ सकते हो आप लोग, ये हमने क्या देखा है? हमने पूरी स्टोरी जितने भी आपके तमिल लिटरेचर मिलते हैं, संगम लिटरेचर जितने मिलते हैं उसके बारे में देखे हैं। थोड़ी सी एक दो बुक और बची है जिनके बारे में देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? लास्ट अगर हम देखें, तिरुत कातेवर किसके द्वारा लिखी गई है? तिरुत कातेवर कौन सी किताब लिखी है ये बता दो। दोनों के जिसके भी नाम बोल रहे हैं दोनों याद होना चाहिए, शिवगा सिंधामणि। ठीक है ना, क्या याद रहेगा? शिवगा सिंधामणि। नेक्स्ट किताब लिखो, पोदिरी पट्टू। ठीक है, नेक्स्ट किताब कौन सी है? पोदिरी पट्टू। राइटर अननोन, राइटर के बारे में हमें नहीं पता है। ये कौन से वंश की जानकारी देती है? तो चेर वंश की जानकारी देती है, चेर वंश की जानकारी देती है। इट गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ चेर डायनेस्टी, यह चेर वंश की जानकारी देती है, लिख लेना। पोदिरी पट्टू कौन से वंश की जानकारी देती है हमें? चेर वंश की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मदुरई कंजी। मदुरई किसकी राजधानी थी? ये कौन से वंश की जानकारी देती है? पांड्य वंश की जानकारी देती है। ठीक है, और नेक्स्ट नाम आता है पट्टिनी पल्लई। पट्टिना पल्लई कौन सा वंश बच गया? चोल डायनेस्टी की जानकारी देती है। ये लास्ट तीन किताबें हो गई आप लोगों की, और इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कभी भी कहीं से भी। चोल वंश की जानकारी देती है, ठीक है, पट्टिना पल्लई। ये तीन किताब भी याद कर लेते हैं अपन। केरल तरफ एक गेम होता है, वो गेम का नाम पता है? हाँ हाँ, एकदम यही वाला। क्या नाम है? नहीं पता, क्या नाम होता है? जलाई कट्टू, बिल्कुल एकदम यही है। वो मूवी देखियो, टाइगर श्रॉफ और वो बागी। हाँ ये बहुत अच्छे से याद रहता है, क्यों तुरंत नाम आया बागी। उसमें दिखाई गई है ये जलाई कट्टू वाली चीजें दिखाई गई है, ठीक है ना। चलो देखने मत बैठना अब तो। ये इस हिसाब से ये पट्टू से याद हो जाएगा। केरल तरफ का है तो केरल तरफ कौन सा राज्य हुआ करता था? चेर। केरल को और चेर वंश को और कौन से नाम से जाना जाता था? अशोक के शिलालेख में इसको कौन से नाम से जाना गया है? पेज मत पलटो बस। हाँ, कौन से नाम से जाना गया है? हाँ, केरल पट्टनम नहीं, केरल पुत्र। किस नाम से जाना गया है? केरल पुत्रा के नाम से। और चेरापद इसको ब्राह्मण में जाना गया है, ठीक है ना, ब्राह्मणों में इसको चेरापद के नाम से जाना गया है, ठीक है ना, याद रखना। तो हमें याद हो जाएगा कि ये कलारी पट्टू, ठीक है, या जलाई पट्टू, ये जो गेम होता है केरल में होता है, तो केरल से आप लिंक कर सकते हो कि ये जो पोदरी पट्टू जो किताब है ये कौन से वंश की जानकारी दे रही है? चेर। ये याद कराने के लिए लिंक करवा रहा हूं ताकि आप लोग को ये अट्टू पट्टू दिखे तो याद आ जाए कौन सा वंश है, चेर वंश है। मदुरई इससे मैंने याद करवा दिया, मदुरई कहां की राजधानी थी, तो ये याद हो जाएगा। मदुरई कांजी कहां की, कौन से वंश की जानकारी दे रही है? पांड्य वंश। एक जो बच गया वो वैसे याद रख लो। पट्टिना पल्ली कौन सा वंश? चोल वंश, ठीक है ना। पट्टिना पल्ली कौन सा वंश? चोल वंश। फिर भी याद रखना, पट्टिना से पट्टिनी कल्ट याद आता आ सकता है ना, लेकिन वहां से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि वो चोल वंश अलग था और वो चेर वंश था सेन गुतवन, तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जो बच गया बस याद रखना, पट्टिना पल्ली कौन सी वंश की? चोल वंश की जानकारी देती है। चलो क्लियर हो गया। तो ये था संगम वंश, संगम लिटरेचर, पूरा संगम वंश आपका कंप्लीट हो गया है।
अब हमें जो कहानी देखनी होगी वो कहानी किसकी देखनी होगी, एक्चुअल में हुआ क्या था यहाँ पे इन क्षेत्रों में, ये पूरा क्या है आपका चेर वंश है, ये पूरा क्या है चोल वंश है, और ये वाला कौन सा है पांड्य वंश है, चेर वंश चोल वंश है ना। इन दोनों को हरा के कौन रूल करने लगा था चोल, और चोल को हरा के एक नया वंश आ जाता है यहाँ पे, चोल को हरा के एक नया वंश आता है कौन सा पल्लव वंश, कौन सा वंश पल्लव। पहला अलग थे पल्लव अलग हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो उनको मानते हैं कि वही विदेशी वाले लोग ही हैं पल्लव, लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम पल्लव की कहानी देखेंगे तब क्लियर होगा है ना। तो कई अलग अलग थ्योरी, कुछ लोग बोलते हैं ये आर्यंस थे, कुछ लोग बोलते हैं ये क्षत्रिय थे, कुछ बोलते हैं कि ये वही विदेशी लोग थे इंडो ग्रीक के समय में जो पल्लव आए थे, ये उसी की एक ब्रांच है। इस तरीके के अलग अलग सोर्स अलग अलग जानकारी मिलती है, लेकिन ये पल्लव वंश जो मेन जानी हुई जानकारी है वो पूरी तरीके से अलग होती है। तो अब आगे की कहानी कल से हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना ठीक है। ये तीन संगम वंश हो गए, क्लियर है संगम वंश, बहुत टफ माने जाते हैं संगम वंश, उतनी इजिली क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए बहुत आराम से इनका 2-3 दिन रिवीजन भी कर लेना है ना, और आराम से इनको समझते हुए चलना। यूट्यूब में वीडियोस हैं, आप लोग वो देख सकते हो बहुत इजीली, 2-2, 3-3 बार देखोगे तब जाके ये कहानियां बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ठीक है। देखो अब ये क्या है, चोल वंश है, चेर वंश है, पांड्य वंश है। देखो मैंने क्या बनाया है, चोल वंश की जगह कौन आ गए हैं पल्लव वंश आ गए हैं ठीक है। अब ये चोल वंश, जैसे ऐसा थोड़ी होता है कि चोल वंश पूरा समाप्त हो गया, जैसे जब बाहुबली मर गया था, भल्लाल देव जब राजा बन गया था, तो ऐसा थोड़ी है कि बाहुबली के पूरे वंशज खत्म हो गए थे, बाद में आया ना महेंद्र बाहुबली, समझ में आ रहे हैं ना। पापा का नाम क्या था महेंद्र बाहुबली के, अमरेंद्र बाहुबली, हाँ ठीक है, तो अमरेंद्र के बाद महेंद्र बाहुबली आया ना, उसी तरीके से 450 साल इन लोगों ने क्या किया, वेट किया ठीक है। तब तक कौन शासन किया है पल्लव, और पल्लव के बाद जैसे अभी अपन ने देखा अभी चोल वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था कराईकल ठीक है, फिर उसके बाद 450 साल राज करने के बाद फिर राजा आए हैं राजा चोला, विजयालया चोला, राजेंद्र चोला, उस समय फिर ऐसे चोल वंश के शासक आए हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक काम किया, और इन लोग का पता नहीं क्यों सबसे बड़ा दुश्मन कौन था श्रीलंका, ले लेके सब श्रीलंका के पीछे पड़े हुए थे। फिर आप देखोगे कि फिर से उन लोग आए हैं, फिर से किस पे अटैक करेंगे, श्रीलंका पे अटैक करेंगे, गंगईकोंडा चोलपुरम, ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स रखेंगे, तो चोल वंश बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अभी तो चोल वंश शांत हो गया, चोल वंश की जगह कौन आ गया पल्लव, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गए, ये छुप के बैठ रहे हैं, देख रहे हैं कि कब पल्लव वंश कमजोर होगा, और जैसे ही पल्लव वंश कमजोर होगा, 1-2 दिन या 1-2 साल में नहीं हुआ, कितने साल लग गए 450 साल लग गए, और उसके बाद जब पल्लव वंश कमजोर होगा दोबारा से कौन आएंगे चोल वंश आएंगे ठीक है। और वो चोल वंश 1269 एग्जैक्ट नहीं याद रखना, 1200 ईस्वी तक के चोल वंश रहेंगे, कब तक, जब तक इनका अरब इन्वेजन दोबारा नहीं हो जाता, मोहम्मद बिन कासिम भारत नहीं आ जाता। जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ने लगोगे 711 AD में सबसे पहले नेउल विजय कर लिया है किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन तभी से तब तक हमारे यहाँ पे कौन चल रहे थे चोल वंश चल रहे थे दक्षिण भारत में, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया ठीक है। तो अब ये जो चोल वंश पल्लव के बाद जब शुरू होगा तो वो चलेगा पूरा कहां तक मध्यकालीन भारत तक। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पल्लव ठीक है, लेकिन पल्लव के समकालीन कौन चलेंगे चालुक्य, ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कौन आ जाएंगे चालुक्य ठीक है। तो पल्लव चालुक्य राष्ट्रकूटा एक और रहेंगे, इन्हीं के जस्ट पहले कौन थे राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट थोड़ा सा वकाटक वंश पढ़ेंगे ठीक है, और उसके बाद एक त्रिगुट संघर्ष शुरू हो जाएगा, जो मैंने हर्षवर्धन की कहानी के बाद बताया था ना ट्राई पेट्रियट स्ट्रगल, त्रिगुट संघर्ष शुरू हो जाएगा, और वो संघर्ष में सब लग जाएंगे, चालुक्य भी लग जाएंगे, इधर से पाल वंश वाले भी लग जाएंगे, गुर्जर प्रतिहार भी लग जाएंगे, और उसके बाद एक अलग तरीके की अपनी आपस की लड़ाई में फायदा उठा लेंगे विदेशी लोग, और यहां से शुरू हो जाएगा मध्यकालीन भारत। तो आने वाले मेरे ख्याल से इस वीकेंड तक या नेक्स्ट वीक तक आप लोग का मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। ये सबसे टफ टॉपिक चलते हैं और अक्सर समझने में दिक्कत होती है, यहां तक समझ में आया है, क्लियर है, कोई डाउट है, चलो तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।